सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई पार्ट्स वाला प्लेटफॉर्म में। एज यू नो कि जैसे आपके बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर सीरीज चल रही थी, आपका फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो ये दोनों चैप्टर थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो यहाँ से ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होंगे ना, ज़्यादा यहीं से बनने के चांसेस होते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जैसे हमने फ्लावर में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़े थे, देन हमने गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा था, उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने जो पढ़ा था एपोमिक्सिस वगैरह, वैसे ही हम सेम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ रहे होंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो 10th क्लास तक आपने पढ़ रखा था वो बहुत मतलब बेसिक सा था, अब आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टेस्टिस अलोंग विथ एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया, तो अब आपको इनके बारे में भी पढ़ना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले बेसिक सा जो यहाँ पे आपको उनकी इंट्रोडक्शन दे रखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस, और पहले भी आपका उसमें भी था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब पैदा हो रही होती है। स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन टू द फीमेल जेनेटालिया ट्रैक, जिसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो जब स्पर्म का ट्रांसफर होता है आपका किसमें, फीमेल जेनेटल ट्रैक में, तो उसको क्या नाम दे रहे हैं, इंसेमिनेशन। अब इस बात पॉइंट को याद रखना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट को हम फर्टिलाइजेशन, ह्यूमंस में भी उसे क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, और प्लांट में भी सेम था, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। प्लांट में भी जायगोट बना था, यहाँ पे भी आपका जायगोट बनेगा, सॉरी प्लांट में जायगोट नहीं, आपके प्लांट में क्या बना था, एम्ब्रियो। दिस इज अलाउड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। तो जो आपका डेवलपमेंट होगी वो कहाँ पे होगी, यूट्रस में होगी मेनली, तो वहीं पे आपके ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे और वो कहाँ पे अटैच होंगे, यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल को ही यूट्राइन वॉल बोल रहे हैं उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। तो अभी जो नेक्स्ट इसके बाद मतलब लास्ट का पार्ट आएगा जिसमें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इम्प्लांटेशन गेस्टेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी, कि जो ये इवेंट हैं ये कैसे अकर होते हैं, कब अकर होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद। एंड देर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवेंट इन ओल्ड मैन, मतलब जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो आपके ओल्ड मैन में भी कंटिन्यू रहती है, बट जो ओवम बनना होता है, मतलब ओवम की फॉर्मेशन होती है, वो अराउंड 50 क्या हो जाती है, आपकी क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टिव पार्ट में इतना था कि आपको जो ह्यूमन में होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, गैमेटोजेनेसिस से, उसके बाद इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद आपने एक चीज़ पढ़नी है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो ओल्ड मैन में भी होता है, बट जो ओवम फॉर्मेशन है वो आफ्टर 50 ईयर्स या 50 एज पे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हम क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। कौन से रीजन में है, आपके पेल्विस रीजन में। उसके बाद इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट हैं, ग्लैंड्स हैं, और एक्सटर्नल जेनिटालिया हैं। एक्सेसरी डक्ट मतलब और एक्सेसरी ग्लैंड, तो यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन तो होगी, उसके बाद के प्रोसेस के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो डक्ट और ग्लैंड आपको प्रोवाइड करेंगे, और एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में भी हम इसी में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है मेल पेल्विस का, मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले है कि टेस्टिस कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं आपके, सबसे पहले है कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विस रीजन में तो है, बट वहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड द बॉडी नहीं बोल रखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एक पाउच के अंदर होते हैं जिसे स्कोर्टम बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा,
अब इसका काम क्या होता है मेनली वो देख लो, यही एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्क्रोटम है उसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है उसको क्या, किस चीज़ में, इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है एवरेज ह्यूमन बींग का, क्या होता है आपका 37, बट जो आपके टेस्टिस हैं उनको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो कौन मेंटेन करके रखता है आपका स्क्रोटम 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक का। उसके बाद फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस ये ज़रूरी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब आपके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर क्या होता है नेसेसरी होता है, जो आपको स्क्रोटम क्या करता है प्रोवाइड करता है। उसके बाद इन अडल्ट टेस्टिस इज ओवल इन शेप, तो शेप के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, और इसकी लेंथ कितनी होती है अडल्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 to 5 centimeter एंड विथ जो होती है वो 2 to 3 centimeter होती है, और टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। तो यहाँ पे आपको टेस्टिस दिखा रखा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो टेस्टिस होता है वो 4 to 5 centimeter इन लेंथ होता है, 2 to 3 centimeter इन विथ होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली यहाँ से बनते हैं कि जो आपके टेस्टिस होते हैं ना वो एक डेंस कवरिंग से कवर होते हैं, उसके बाद हर टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब खाने जैसे बने होते हैं, उनमें क्या, उनको हम बोलते क्या हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उस लोब्यूल्स के पास अब 250 एक टेस्टिस के पास है, ह्यूमन के पास 2 pair of testes है, उसमें भी एक पेयर के पास 250 है, तो 2 pairs के पास कितने हो जाएंगे, 250 कंपार्टमेंट हैं एक टेस्टिस के पास आपके, तो 250 × 200 = 500, तो 500 आपके पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो जाएंगे। अब ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल के पास क्या होता है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो उसके पास क्या होते हैं, एक या तीन क्या हो सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही जो होते हैं ना, इनका मेन वर्क होता है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि अगर 250 कंपार्टमेंट हैं ईच टेस्टिस में तो कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, तो ये आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो कि 250 आपके पास कितने कंपार्टमेंट हो जाएंगे, टोटल तो 500 होंगे, उसको फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा बस, ठीक है। उसके बाद है इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, तो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे और इसी का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और उसको अच्छे से पढ़ना है आपने। सबसे पहले है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 type of cell, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है आपकी बनी हुई, इसका इमेज भी है यहाँ पे, एक बार इमेज देख लो, ये रहा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले तो मान लो कि ये आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके इनसाइड आपके पास जो ये है स्पर्मेटोगोनिया सेल हैं, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस हो जाएगा, और ये सेल्स जो प्रेजेंट है, ये स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। अब ये क्या है आपके पास, एक उसका सेक्शन व्यू है आपका ट्यूब्यूल्स का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन व्यू आपने देख लिया होगा। अब उसके बारे में हमने पढ़ना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 type of cell कॉल्ड मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। तो 2 type के सेल थे उसके अंदर, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आपका क्या हो जाएगा, मेल जर्म सेल हो जाएगा, उसके अलावा एक सेल और होते हैं उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल से तो क्या होगा, आपको भी पता है कि आपका क्या होगा, डिवीजन होके लास्ट में स्पर्म बनना है, बट जो आपके सर्टोली सेल हैं उनका क्या काम होगा वहाँ पे, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। तो आपके पास आंसर आ गया कि सर्टोली सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उन जर्म सेल्स को। उसके बाद है जो हमने इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में पढ़ा था ना, अब आएगा कि द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यहाँ पे आपके पास ब्लड वेसल्स होती हैं और कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं और लीडिंग सेल भी बोल सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है, आपको नाम के साथ उनका काम भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या क्या याद हो गया होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स याद हो गए होंगे, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं ये याद हो गया होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेल जर्म सेल और आपके सर्टोली सेल, मेल जर्म का काम क्या, जर्म सेल्स का काम क्या होता है और सर्टोली सेल का काम क्या होता है। उसके अलावा अब है कि उसके बाहर का जो एरिया था ना, हमने जो इमेज में देखा था
एक बार मैं और दिखा देती हूँ, जिसके बाहर का ये एरिया था ना, ये रेड रेड कलर का दिख रहा है जो, उसके बारे में, उसमें आपके क्या क्या, उसको इंटरस्टिशियल लेयर बोल रहे थे आई थिंक, हाँ स्पेस बोल रहे थे, उसके बाद इंटरस्टिशियल सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं और उसको हम लीडिंग सेल भी बोल सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है लीडिंग सेल्स का, ये क्या करते हैं, लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं मेल्स में एंड्रोजन, अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब यहाँ तक आपने क्या पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, मेनली थोड़ा किसका टेस्टिस का पढ़ रखा है अभी। उसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा मतलब उसके अलावा, टेस्टिस के अलावा जो जो प्रेजेंट होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो पढ़ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आपका कंप्लीट दिखा रखा है ना, ये स्ट्रक्चर जो दिखा रखा है यहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखा रखे हैं, रेटेड टेस्टिस, वासाइफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, यूरिटर, उसके अलावा वहाँ पे कुछ आपको ग्लैंड दिखा रखी हैं, फिर टेस्टिस आपको दिख रहे होंगे कि पैर में है, उसके अलावा जो भी ये चीज़ें दे रखी हैं इनके बारे में पढ़ना है अब नेक्स्ट। और क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कम्प्लीटली उसका डायग्राम बनाओ या उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ लिया, टेस्टिस पढ़ लिए। अब टेस्टिस के अलावा वहाँ पे क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। ग्लैंड्स के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे, पहले डक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि रेटेड टेस्टिस, वासाइफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। आपके पास चार चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, उसके अलावा भी एक चीज़ और, हाँ ठीक है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासाइफ्रेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं आपके वासाइफ्रेंशिया में खुलते हैं थ्रू किसके, रेटेड टेस्टिस के थ्रू। अब यहाँ पे आप इसका एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा, उसके बीच में रेटेड टेस्टिस, देन वासाइफ्रेंशिया। उसके बाद वासाइफ्रेंशिया क्या करेंगे, टेस्टिस को छोड़ के किस में ओपन होंगे, एपिडाइडमिस में, जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे है हर एक टेस्टिस के, दो टेस्टिस के क्या है, पोस्टीरियर सरफेस पे है। उसके बाद एपिडाइडमिस के बाद कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस, जो कि वास डिफरेंस जो होता है वो असेंड होता है कहाँ पे, एब्डोमिनल में, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके ऊपर क्या करता है, लूप बनाता है, और रिसीव क्या करेगा, डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजेकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे आपको मेनली क्या लिखना है, पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखोगे आप, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो आपके वासाइफ्रेंशिया में ओपन होते हैं पर थ्रू किसके, रेटे टेस्टिस के, ये पाथवे आ सकता है। तो ये कहाँ पे ओपन होते हैं आपके, वासाइफ्रेंशिया में। वासाइफ्रेंशिया फिर आपका जो होता है वो कहाँ जाता है, वासाइफ्रेंशिया आपका एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस के बाद फिर वास डिफरेंस, वास डिफरेंस फिर क्या होता है आपका, वास डिफरेंस आपका यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से लूप बनाने के बाद वो वहाँ से डक्ट कहाँ से रिसीव करेगा, सेमिनल वेसिकल से, उसके बारे में हमने अभी पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले आपके पास रेटेड टेस्टिस दिखा रखे हैं, वासाइफ्रेंशिया दिखा रखे हैं, तो जो आपके यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखा रखे ना, इन्हीं के अंदर आपके पास क्या थे, क्या थे आपके पास, ट्यूब्यूल्स थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे आपके इनके पास। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होंगे आपके वो रेटेड टेस्टिस के थ्रू कहाँ खुलेंगे, जो आपका यहाँ पे वासाइफ्रेंशिया दिखा रखा है, एक बार देख लो अच्छे से। तो ये आपके पास क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स रेटेड टेस्टिस जो ये यहाँ पे बना रखे हैं इसके थ्रू कहाँ खुलते हैं आपके, वासाइफ्रेंशिया में। वासाइफ्रेंशिया से आपका एपिडाइडमिस में लीड करता है, एपिडाइडमिस के बाद वो कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बनाता है, लूप बनाता है। तो लास्ट में वो कहाँ जाएगा, यूरिथ्रल ओपनिंग में, और उसको यूरिथ्रा मीटस भी बोल सकते हैं, यूरिथ्रल मीटस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से होप समझ आ गया होगा कि जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो आपके रेटेड टेस्टिस के थ्रू वास डिफरेंशिया में खुल रहे हैं, फिर एपिडाइडमिस, उसके बाद वास डिफरेंस। तो ये आपको याद करना होगा। उसके बाद जो हमने ये स्ट्रक्चर देखा था इसमें आपको सर्टोली सेल भी दिखा रखे हैं प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में हमने पढ़ना है वो क्या है, आपके पास जो पेनिस होता है मेल में वो क्या होता है आपका, एक्सटर्नल जेनिटालिया होता है। उसके बाद वो किसका बना होता है, स्पेशल टिश्यू का बनाता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं उसको, ताकि इंसेमिनेशन हो सके। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, जो इनलार्ज एंड है पेनिस का उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, और जो कवर्ड होता है जिस स्किन का वो कवर्ड होता है उसको हम फोर स्किन बोलते हैं। अब हमने
टेस्टिस पढ़ लिया, चार चीज़ें थी, टेस्टिस थे, एक्सेसरी डक्ट थे, एक्सेसरी ग्लैंड और जेनिटालिया थे। तो अब हमारे पास ओनली ग्लैंड बचे हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि आपके पास पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट जो होता है वो खाली, मतलब आपके पास सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और एक पेयर्ड बल्ब्यूथरल ग्लैंड होते हैं। बल्ब्यूथरल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूइंग द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो आपको जो भी इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन होगा या उसको क्या बोलेंगे हम, सेमिनल प्लाज्मा बोलेंगे, और उसमें क्या क्या होगा, फ्रक्टोज कैल्शियम और आपके कुछ एंजाइम होंगे। द सिक्रीशन ऑफ बल्ब्यूथरल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, तो ग्लांड्स में आपको क्या समझ आया कि आपके पास सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, उसके अलावा आपके पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल है, और बल्ब्यूथरल ग्लैंड क्या है, पेयर्ड है, और इनमें से क्या क्या सिक्रीट होता है, आपका जो सिक्रीशन होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, रिच होता है फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स में। उसके अलावा है कि सिक्रीशन ऑफ बल्ब्यूथरल ग्लैंड जो होती है वो लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है। तो अभी होप आपको टेस्टिस के बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट और आपके मेल जेनिटल के बारे में याद हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने 10th में देखा होगा तो ये स्ट्रक्चर आपने कॉमनली देखा होगा, जिसमें आपके बारे में फिमरे ओवरी के बारे में देखा होगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, और पहले एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप दोबारा देखो तो क्या ज़रूरी है, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आपका ये पाथवे था ना, कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो वासा इफरेंशियम में ओपन होता है रेटिटेस्टिस के थ्रू, उसके आगे कैसे चलता है वो इम्पोर्टेंट है, यूरिथ्रल मीटर्स आपका। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो एक ओवरव्यू है, जैसे हमने मेल में पढ़ा था कि उसकी टेस्टिस के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास पेयर्स ऑफ ओवरीज होती हैं अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट यूट्रस सर्विक्स वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पे लोकेटेड है, पेल्विक रीजन, वो पेल्विस रीजन था। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनके अलावा मेमरी ग्लैंड ये इंटरग्रली स्ट्रक्चरली मतलब फंक्शनली क्या बोल रहे हैं कि सारी तरीके से वो एक साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, ताकि क्या हो सके, कौन कौन से प्रोसेस हो सके, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर हो सके। क्यों मेमोरी ग्लैंड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके फीडिंग मदर्स वगैरह होती हैं वो क्या होता है, मेनली एक चाइल्ड केयर का स्टेप है वो। तो अब है कि ओवरी क्या है, आपके मेन जो है वो ओवरीज हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स हॉर्मन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या था आपका, स्पर्म था, फीमेल गैमेट क्या हो गया, ओवम। सर्वल स्टेरॉयड हार्मोन, जिसे हम ओवरियन हार्मोन भी बोल सकते हैं, वो भी ओवरी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ओवरीज भी आपकी क्या करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद द ओवरीज आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है वो, ईस्ट साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल। तो जो मेल आपका मतलब टेस्टिस था वो भी एब्डोमिन में ही सिचुएटेड था। उसके बाद ईच ओवरी इज अबाउट टू 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। तो जो आपकी ओवरीज हैं वो किससे कनेक्टेड है, पेल्विक वॉल से और यूट्रस से, किससे, लिगामेंट के सपोर्ट से। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा। तो जो आपकी ओवरीज हैं वो क्या है, कवर्ड है, किससे, एपिथेलियम से। स्टोमा इज डिवाइड इंटू 2 जोन, अ पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो ये वाला मतलब आपको सिर्फ लाइन याद रखनी, इतना ज़रूरी नहीं है ये 12th के लिए। पेरीफेरल कॉर्टेक्स में डिवाइड होता है और एक इनर मेडुला में डिवाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसके बारे में तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले इस वाले स्ट्रक्चर के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपके पास, ओविडक्ट दे रखा है। ओविडक्ट किसे बोलते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना आपकी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब क्या है आपकी, जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा क्या है आपका, फेलोपियन ट्यूब है। तो फेलोपियन ट्यूब को ही हम क्या बोल रहे हैं, ओविडक्ट। यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। अब फीमेल एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आ गया आपके पास, यूट्रस, वेजाइना।
अब जो फेलोपियन ट्यूब है उसके बारे में पढ़ना कि 10-12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड होती है कहाँ से, पेरीफेरी टू पेरीफेरी ऑफ ईच टू द यूट्रस। पेरीफेरी मतलब कोने से या किनारे से और यूट्रस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड, जिसे हम इन्फेंडिबुलम बोलते हैं, कि जो ओवरी के क्लोज होता है पार्ट, सॉरी ये वाला, जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ओवरी के क्लोज है, होता है, फनल शेप होता है, इसको हम इन्फेंडिबुलम बोलते हैं। उसके अलावा जो इसके एज होते हैं ना, वो कैसे हैं, फिंगर लाइक हैं, इसे हम फिम्ब्रे बोलते हैं। उसके बाद ये हेल्प करते हैं किसमें, ताकि ओवम कलेक्शन हो सके यहाँ से आराम से। उसके बाद लिखा है कि इन्फेंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जिसे हम एम्पुला बोलते हैं। तो यहाँ पे एम्पुला दिख रहा है और स्टमस दिख रहा है आपको। यूट्रस कौन सा एरिया है आपका, ये वाला। उसके बाद सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल है, वेजाइना है। बाकी ये तीन लेयर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक बार इमेज को ध्यान में रखो अपने, ठीक है। उसके बाद जो ओविडक्ट है, पार्ट है जो उसका वाइडर पार्ट है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्पुला बोल रहे हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट स्थमस हैज नैरो ल्यूमन, तो ये कैसा ल्यूमन है, इसके पास नैरो है और ज्वाइन किससे होता है, ये यूट्रस से। तो फिम्ब्रे के बाद इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, फिर स्थमस। द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, कि वॉर्म क्यों बोलते हैं उसको। उसके बाद द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पेयर, तो जो आपके पास पेयर होता है नाशपति जिसे बोलते हैं, उसके अगर उसको उल्टा कर दो तो वैसे शेप में आपका क्या होता है, यूट्रस होता है, वॉम्ब भी उसे बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, वही जो आपका ओवरी था वो भी ऐसे ही सपोर्टेड था। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी कि सर्विकल कैनाल किस किस से मिलके बना हुआ है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो आप ये देखो कि आपके पास कैविटी ऑफ सर्विक्स को क्या बोल रहे हैं, सर्विकल कैनाल बोल रहे हैं, और सर्विकल कैनाल के साथ साथ जब आपका वेजाइना जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। तो इन दोनों को मिला के आप क्या बोल सकते हो, इनको बर्थ कैनाल बोल सकते हो। अब हम यूट्रस के जो लेयर्स हैं ना तीन, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, तीसरा है आपके पास एंडोमेट्रियम। तो जो पेरीमेट्रियम है वो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, और उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसी होती है वो। कैसी होती है, थिन मेम्ब्रेस होती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीमेट्रियम। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो मिडल में आएगी उसको क्या बोल रहे हैं, मिडल थिक लेयर। मिडल वाली कैसी है, मोटी लेयर है, स्मूथ है, स्मूथ मसल्स की, उसको मायोमेट्रियम बोल रहे हैं। और सबसे अंदर वाली जो ग्लैंडुलर लेयर होगी, मतलब जिसमें ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम के बारे में क्या बात है, कि एंडोमेट्रियम क्या होती है, हर महीने आपके साइक्लिक चेंज के अंदर जाती है, जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। और मायोमेट्रियम क्या करती है, आपका जब डिलीवरी ऑफ बेबी हो रही होती है तब कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है। तो दोनों का काम क्लियर हो जाएगा यहाँ से, एंडोमेट्रियम क्या करती है, अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बाद फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में अगर हम पढ़े, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर ध्यान किसके बेसिस पे देना पड़ेगा, इमेज के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको, ये थोड़ा वास्ट लगेगा, मतलब समझ नहीं आएगा, बट कोशिश करना कि एनसीईआरटी की लाइन को ही आप पकड़ के रखो। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मून्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन एंड क्लिटोरिस। तो सबसे पहले मून्स प्यूबिस पढ़ेंगे, कि मून्स प्यूबिस क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले मून्स प्यूबिस जो है कि कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, जो किससे कवर्ड होते हैं, प्यूबिक हेयर से। अब मून्स प्यूबिस आपने पढ़ लिया, उसके बाद लेबिया मेजोरा जो होंगे आपके मून्स प्यूबिस से ही एक्सटेंड डाउन होंगे, बट ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होगा ओनली, ठीक है। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू ओनली जो होगा आपका लेबिया मेजोरा होगा। उसके बाद लेबिया माइनोरा जो होंगे वो भी पेयर्ड होंगे, सॉरी लेबिया मेजोरा ये आपके जो लेबिया मेजोरा है वो मून्स प्यूबिस से मतलब एक्सटेंड डाउन होंगे और वेजाइनल ओपनिंग से सराउंड होंगे। उसके बाद लेबिया माइनोरा जो होंगे वो पेयर्ड होंगे और लेबिया मेजोरा के ही अंडर में होंगे, ठीक है। तो ये तीन लाइनें जो है ना आपकी एनसीईआरटी से ही आपको याद रखनी है, कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के बारे में। अब इंपॉर्टेंट है हाइमन और क्लिटोरिस। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड बाय पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन।
तो जो आपकी वेजाइना की ओपनिंग है वो मेनली किससे कवर्ड होती है, पार्शली कवर्ड होती है किससे, हाइमन से। उसके बाद क्लिटोरिस क्या है आपका, क्लिटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा रहता है और अबव यूरिथ्रल ओपनिंग। द हाइमन इज द ऑफ्टन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन अप बाय सडन फॉल और जोल। तो जो हाइमन होता है वो आपका क्या सिग्निफिकेंट करता है कि आपका फर्स्ट कोइटस के बाद ये टूट जाता है, और मेनली अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में भी होंगे या राइडिंग वगैरह में भी होंगे तो आपका ये ब्रेक हो जाता है। उसके बाद इन सम वुमन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, कोइटस के बाद भी हाइमन जो हो जाता है वो परसिस्ट रह जाता है। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हाइमन का होना ना होना आपका कोई मतलब सेक्सुअल एक्सपीरियंस को साबित नहीं करता, ये बात ध्यान रखनी है। हाइमन क्या है, ओपनिंग है, पार्शियल ओपनिंग, अगर पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, जो आपका वेजाइना है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना, वो कवर्ड होती है इससे पार्शली, और ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब इसका एक बार इमेज देख लो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्लिटोरिस, उसके बाद यहाँ पे लेबिया माइनोरा दे रखा है आपका, लेबिया मेजोरा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वेजाइनल ओरिफेस हो जाएगा। उसके बाद यूट्रस कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, यहाँ पे। तो मतलब उस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, मेनली उस पे फोकस कहाँ से करना है, आपने एनसीईआरटी से ही पढ़ना है वो वाला पार्ट मेनली। यहाँ पे एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है क्लिटोरिस से, ठीक है। तो जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें अभी हम यही कर रहे होंगे। उसके बाद आपका है मेमोरी ग्लैंड के बारे में, मेमोरी ग्लैंड के बारे में हो जाएगा, फिर हम गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे कि आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो ये वाला भी आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही सेक्शन व्यू दिखा रखा है यहाँ पे, वहाँ पे क्या था आपका ट्रांसफर में दे रखा था, यहाँ पे आपको इनलार्ज करके दिखा रखा है। तो अभी जो हमने पढ़ रखा है उसमें कुछ पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक बार उनको देख लेते हैं। तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको कुछ पॉइंट रिमेंबर रखने हैं, मतलब कुछ पॉइंट टू रिमेंबर मैंने बना रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन था कि जो स्कोटम है वो क्या करता है, वो आपका टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है टेस्टिस के, ताकि वो टेम्परेचर कितना रहे, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस रहे। उसके बाद टेस्टिस का शेप कैसे होता है, ओवल शेप होता है, लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, और वो किससे कवर्ड होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपके पास जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपके पास जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो कितने होते हैं। तो आपको या तो एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, सिर्फ नंबर पूछ लेगा उनके। उसके बाद आपका जो ये पाथवे, मैंने पाथवे या फ्लो चार्ट बोल सकते हो इसको, जो मैंने यहाँ पे बना रखा था आपका, कि सेमिनिफेरस जो होता है वो आपका वासा डिफरेंशिया में रेटेड टेस्टिस के थ्रू खुलता है, रेटेड टेस्टिस के बाद एपिडाइडेमिस, फिर वास डिफरेंस और फिर इजेक्टरी डक्ट से यूरिथ्रा या यूरिथ्रल मीटस भी आप कर सकते हो आगे को। फिर एक प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, आपके पास अनपेयर्ड है पर सेमिनल वेसिकल्स और बल्ब्यूथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, पेयर ग्लैंड होते हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब, अब फेलोपियन ट्यूब आपकी कितनी होती है लेंथ में या लॉन्ग कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर, और आपके हर एक ओवरी से क्या होती है, एक्सटेंड होती है। उसके बाद है एज ऑफ इन्फंडिबुलम क्या होते हैं, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम फिम्ब्रे बोल सकते हैं, और उनका काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओवम होता है। उसके बाद स्थमस के बारे में है कि स्थमस क्या है, आपका ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है और नैरो ल्यूमन होता है, और ये यूट्रस से ज्वाइन करता है ओवरी को। वॉल ऑफ द यूट्रस हैज थ्री लेयर, तीन लेयर होती है, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसी है, आउटर मोस्ट थिन मेम्ब्रेनस, ये याद रखना कि थिन मेम्ब्रेनस है। मायोमेट्रियम कैसी थी आपकी, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। फिर एंडोमेट्रियम जो है वो आपकी इनर मोस्ट है, और जो लाइंस करती है किसको, यूट्राइन कैविटी को। उसके बाद एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है,
यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, उसकी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल, जो वेजाइना के साथ क्या फॉर्म करती है, बर्थ कैनाल। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बर्थ कैनाल किस किस से मिलके बना हुआ है, तो आप लिख सकते हो सर्विकल कैनाल और आपका सर्विकल कैनाल और वेजाइना। तो सर्विक्स जो था आपका, जिस तो ये इसकी कैविटी को हम सर्विकल कैनाल बोल रहे थे, और वेजाइना के साथ ये क्या बनाता है आपका, बर्थ कैनाल। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, ऐसे ही हर चैप्टर के, मतलब हर पॉइंट क्या पॉइंट टू रिमेंबर भी मैं लाती रहूँगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए जा रहे होंगे जो आपको याद करनी ही करनी है एग्जाम के लिए। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आपने एनसीईआरटी रीडिंग तो आपने साथ साथ करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर को हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, उसमें आप गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कर रहे होंगे, मेमोरी ग्लैंड को भी उसी लेक्चर में ऐड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।